कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। प्रियंका गांधी पहली बार कोई चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की चुनावी राजनीति की शुरुआत आज से हो गई है। पार्टी उम्मीदवार के तौर पर प्रियंका गांधी ने आज केरल वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। प्रियंका गांधी ने अपने नामांकन पत्रों के 3 सेट दाखिल किए हैं। इस मौके पर प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटा भी मौजूद रहे। इसके अलावा उनकी माँ और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद रही। प्रियंका गांधी के नामांकन पत्र दाखिल करते समय उनके भाई और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी भी रही। अपने नामांकन से पहले प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के साथ एक रोड शो भी किया और इसके बाद रैली को संबोधित किया। चुनावी रैली में कांग्रेस के सभी बड़े नेता और अन्य नेता मौजूद रहे। कलपेटा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें 35 वर्षों का राजनीतिक प्रचार करने का अनुभव हासिल है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी, मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी और अन्य पार्टी सहयोगियों के लिए चुनाव प्रचार किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि 1989 में जब वो 17 साल की थी तभी से राजनीतिक प्रचार में भाग लेना शुरू कर दिया था। कांग्रेस महासचिव का ये बयान बीजेपी की वायनाड लोकसभा उपचुनाव में उम्मीदवार नव्या हरिदास द्वारा ये कहे जाने के एक दिन बाद आया है कि उन्हें लोगों का प्रतिनिधित्व करने में प्रियंका गांधी से ज्यादा अनुभव हासिल है। वहीं चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कहा कि अब से वायनाड देश का ऐसा निर्वाचन क्षेत्र होगा जहां से 2 सांसद होंगे, एक आधिकारिक सांसद और दूसरा अनौपचारिक सांसद। To look after their relationship. And the French would not appreciate what she had done. And I would tell her, Priyanka, why do you do this? Appreciating what you are doing. They are not appreciating the sacrifice you are making. It doesn't matter if they don't appreciate. I want to do it. You can imagine what that process can do to her family. My mother is sitting here. When my father died, it was my sister who looked after my mother. My mother lost everything. My father lost everything. राहुल गांधी ने 2 सीटों से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट को चुना और वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव में प्रियंका गांधी को वायनाड चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया था। वायनाड में प्रियंका गांधी के नामांकन के दौरान कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं। वायनाड में 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। कैमरामैन विजय बिग के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।